बता रहे हैं तो बिहार में 7 चरण में चुनाव होने जा रहे हैं और इसमें तारीख दर तारीख अगर हम आपको बताते चले जाए तो देखिए बताया जा रहा है 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होने जा रही है, 26 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग होगी। इसके साथ ही 7 चरण में यहाँ चुनाव होने हैं, 40 लोकसभा की सीटें हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो बड़े राज्य हैं जहां लोकसभा की सीटें ज्यादा है वहां 7 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं, तो 26 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग होगी और 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग बिहार में होने जा रही है, 13 मई को चौथे चरण का मतदान होगा। तो कुल मिलाकर बिहार में 7 चरणों में जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट किया जाना है। और देखिए बड़ी खबर हम आपको ये बता दें कि 40 लोकसभा की सीटों को लेकर 7 चरण में मतदान होंगे। और देखिए 20 मई को पांचवे फेज की बात कही जा रही है, 25 मई को छठे चरण का मतदान जो है वो होगा और साथ ही 1 जून को 7वें चरण का मतदान किया जाना है। तो बिहार के लिए आपको बड़ी खबर बता दें 4 जून को नतीजे आएंगे, तो बिहार में इस बार 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। पहली तारीख जो है वो हम आपको बता रहे हैं, तो 25 मई को देखिए छठे चरण का मतदान जो है वो होने जा रहा है। डेट बाय डेट हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से लोकसभा के चुनाव जो 7 चरणों में होने जा रहे हैं, कौन कौन सी वो तारीखें होंगी जो आपको याद करके रखना है। 4 जून को नतीजे आने वाले हैं और 7 चरणों में जो है वो चुनाव होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बिहार को लेकर के हम आपको बता रहे थे, तो जैसा पहले से बताया जा रहा था, ये अनुमान जताया जा रहा था कि जो लोकसभा की सीटें जहां ज्यादा है वहां 7 चरणों में चुनाव होंगे। जैसे यूपी को ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, तो बिहार में भी 7 चरणों में चुनाव जो है वो आने वाले हैं। और ये देखिए 4 जून को नतीजे सबके सामने होंगे कि अगली सरकार देश में किसकी बनने जा रही है। और बिहार के हम आपको बता रहे हैं तो बिहार में 7 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं। एक एक करके अगर हम बात करें डेट की, तो पहले चरण का जो चुनाव है वो कब से शुरू होगा अगर हम उस पर एक नजर डालें तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि 4 जून को जो है लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे और 7 चरण में बिहार में चुनाव होने जा रहा है और 20 मई को जो है वो पांचवें चरण का मतदान किया जाएगा, 25 मई को छठे चरण का मतदान होना है और 1 जून को 7वें चरण का मतदान होने जा रहा है। तो बड़ी खबर हम आपको इस वक्त ही बता रहे हैं, जिसका इंतजार किया जा रहा था वो तारीख अब आपके सामने है। लोकतंत्र के महापर्व जिसका हम इंतजार कर रहे थे कि किस तरीके से इस बार लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो आपको बता दें कि 7 चरण में चुनाव होंगे पूरे देश में और बिहार में भी 7 चरणों में ही चुनाव इस बार लोकसभा का होने जा रहा है। तो बिहार में 7 चरण में चुनाव होंगे और तारीख दर तारीख की हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो अप्रैल से इसका सिलसिला शुरू होगा वो मई और जून तक जाने वाला है, क्योंकि और ये हम आपको पूरे देश के बारे में बता दें तो देखिए पहला चरण जो है वो 19 अप्रैल को शुरू हो रहा है। इससे हमने आपको बताया था कि 102 लोकसभा की जो सीटें हैं उस पर मतदान जो है वो किया जाना है 19 अप्रैल जो पहली तारीख है, पहला चरण जब से शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद दूसरा चरण जो है वो 26 अप्रैल को होगा जिसमें 89 सीट पर चुनाव होंगे। तीसरा चरण 7 मई को होने जा रहा है, 94 लोकसभा की सीटें होंगी जिसमें मतदान जो है वो किया जाएगा। ये चौथा चरण 13 मई को होने जा रहा है जिसमें 96 लोकसभा की सीटें हैं जहां पर मतदान किया जाएगा। ये पांचवें चरण की हम बात कर लें, 20 मई में 49 लोकसभा की सीटें, छठा चरण 25 मई 57 लोकसभा की सीटें होंगी और इसके साथ ही जो सातवां चरण है वो 1 जून को होने जा रहा है और 4 जून को यानी 1 जून के बाद 3 दिन का फासला और 4 जून को जो है रिजल्ट सबके सामने होगा कि अगली बार कौन कौन से जो है किसकी सरकार बनने जा रही है। अब हम आपको इस बड़ी सी स्क्रीन पर दिखाते हैं कि बिहार